नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू ओडिसा ई क्लासेस। आई एम संगीता एज योर इंग्लिश ट्रेनर। आज हम पढ़ेंगे ए बेकर फ्रॉम गोवा। ये क्या है ना, एक चैप्टर है, एक टॉपिक है, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया मतलब इंडिया में जो जितने भी सारे मतलब कुछ अलग चीज़ें हैं उनको किसी ने एक्सपीरियंस किया है, तो उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ कुछ है। तो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में तीन टॉपिक आता है। ये टॉपिक है ए बेकर फ्रॉम गोवा, और एक टॉपिक है कोर्ग, और थर्ड वाला टॉपिक जो है वो है टी फ्रॉम आसाम। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ए बेकर फ्रॉम गोवा बाय, किसने लिखा है, लुसियो रोड्रिग्स ने। तो देखते हैं लुसियो रोड्रिग्स जो हैं उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। बॉर्न इन 1916 में उनका जन्म हुआ था। डाइड इन 1973 को उनका मतलब उनकी मौत हो गई थी। और ग्रेट कोंकणी एसेइस्ट, एसेइस्ट का मतलब है जो लोग ऐसे लिखते हैं, प्रबंध लिखते हैं। और कोंकणी जो है, ये जो लैंग्वेज है, कोंकणी एक लैंग्वेज है, वो क्या है ना, मेनली इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, वहाँ से आया है ये लैंग्वेज कोंकणी। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या ना, गोवा का वो स्टेट लैंग्वेज है कोंकणी, उस कोंकणी भाषा में, कोंकणी लैंग्वेज में वो क्या लिखते थे, लुसियो रोड्रिग्स ऐसे लिखते थे, प्रबंध लिखते थे। सेवरल आर्टिकल्स इन इंग्लिश एंड कोंकणी, कोंकणी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आर्टिकल्स लिखते थे, अनुच्छेद लिखते थे लुसियो रोड्रिग्स। और इसका एक रोटी जैसे कि केक, सैंडविचेस, ये वगैरह सब जो जो लोग बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, बेकर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा में जो बेकर मतलब गोवा में जो बेकर्स लोग रहते हैं उनके, उनमें से एक बेकर के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। उनकी जो बेकर्स लोगों की जो जिंदगी है, लाइफ, लाइवलीहुड है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो जो गोवा के जो बेकर्स हैं उनके बारे में जो भी लिखा हुआ है। चलिए फिर समराइज करते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ऑफ गोवा, तो मैंने पहले भी बताया था कि बेकर्स जो है वो लोग पाव रोटी बनाते हैं, रोटी जो डबल लेयर वाले रोटी होते हैं वो बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, गोवा में जो बेकर्स है उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ओल्ड पोर्तुगीज डे, उन दिनों को वो याद कर रहे हैं और उनके बारे में बोल रहे हैं। द पीपल ऑफ गोवा एट लोव्स ऑफ ब्रेड, यहाँ पे लोव्स ऑफ ब्रेड मतलब डबल लेयर वाले जो ब्रेड होते हैं उनको बोलते हैं, जैसे पाव रोटी होता है वो। द पीपल ऑफ गोवा एट लोव्स ऑफ ब्रेड, तो वहाँ पे जो गोवा के जो मतलब लोग रहते थे वो क्या खाते थे, पहले पाव रोटी ज़्यादा खाते थे। और क्या ना, लोव्स हैव डिसअपीयर्ड बट मेकर्स आर स्टिल देयर, यहाँ पे और क्या बताना चाहते हैं लेखक, लोव्स हैव डिसअपीयर्ड, वो जो पाव रोटी है अब अभी देखा जाए तो वो लोग ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, नहीं खाते हैं। तो मेकर्स जो है अभी भी वहीं पे ही हैं, लेकिन खाने वाले लोग कम हो गए हैं, तभी तो उन लोगों ने बनाना भी उतना ही कम कर दिया है। और इसके बाद देखेंगे बेकर्स आर नोन एज पैडर इन गोवा, बेकर्स लोगों को गोवा में क्या बोला जाता था, पैडर बोला जाता था। जो बेकर है, एक बेकर ऐसे हैं जो ऑथर के फ्रेंड है, ऑथर मैं बोल रही हूँ लुसियो रोड्रिग्स के बारे में। तो रोड्रिग्स के जो फ्रेंड हैं वो भी एक बेकर हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। ऑथर्स फ्रेंड एंड गाइड, यहाँ पे ऑथर उनको फ्रेंड भी बोल रहे हैं और एक गाइड जो दिशा दिखाता है, मार्ग दिखाता है, उसी के बारे में बोल रहे हैं। द ऑथर यूज टू रन टू द बेकर फॉर ब्रेड बैंगल्स, वो क्या चलाते थे, ऑथर कहाँ पे जाते थे, दौड़ के कहाँ पे जाते थे, जहाँ पे ब्रेड सब मतलब खरीदारी होती थी, ब्रेड ये होता था, ब्रेड सेल होता था, वहाँ पे जाके, वहाँ पे दौड़ के जाते थे कौन, ऑथर। द मेड सर्वेंट्स यूज टू बाय लोव्स एंड कैरी देम इनसाइड द हाउस, क्या होता था ना, जब ब्रेड सेल करने के लिए आते थे, ब्रेड सेलर जो आते थे, तब क्या होता था, मेड सर्वेंट्स वो जो घर पे जो काम करने वाले होते थे वो लोग क्या करते थे, बाहर आते थे, बाहर आके क्या करते थे, जितने भी मतलब ब्रेड उनको लेना होता था वो लेके फिर वापस से उसे घर में रखने के लिए उन चीज़ों को जाते थे वो लोग।
तो यहाँ पे क्या हम देखें, फर्स्ट पॉइंट में जो फर्स्ट कुछ पॉइंट है उनमें देखें हम वो ओल्ड पोर्तुगीज डेज के बारे में वो बोल रहे हैं, ऑथर बोल रहे हैं। और गोवा में बेकर्स लोगों को पेडर बोला जाता है। यहाँ पे हम देखें ऑथर के जो फ्रेंड है वो भी एक बेकर है, और ऑथर मतलब ब्रेड लेने के लिए, जब ब्रेड जो मतलब सेल करने के लिए ब्रेड सेलर आते हैं उनके पास दौड़ के जाते हैं, और उनके साथ साथ उनके मेड सर्वेंट्स, वो जो घर में काम करने के लिए होते हैं वो लोग, वो क्या करते हैं ना, वही सब पाव रोटी को लेने के लिए, पाव रोटी सब खरीदने के लिए जाते थे, फिर रोटी खरीद के वापस घर पे रखने के लिए जाते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स के तरफ चलते हैं। लोब्स, ये जो पाव रोटी रोटी है, रोटी को जो डिलीवर कैसे करते हैं ये देखेंगे हम। पहले जो इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो है झांग झांग साउंड ऑफ बैम्बो स्टाफ। वहाँ पे क्या होता है ना, बांस का कुछ बना हुआ होता है जहाँ पे क्या करते हैं, द बेकर वुड प्लेस द बास्केट ऑन बैम्बो। वहाँ पे जो बांस का कुछ रखने के लिए होता है वो ब्रेड के जो मतलब ब्रेड को जो कैरी करता है, एक झूला जैसा कुछ रखते हैं वो, वहाँ पे क्या करते हैं ना, बैम्बो में वो बास्केट रख सॉरी वो बास्केट जैसा कुछ होता है जिसमें रोटी रखा हुआ होता है, तो उस बास्केट को कहाँ पे प्लेस करते हैं, बैम्बो में, वो जो बांस का जो ये होता है रखने के लिए स्टैंड जैसा, उसमें बास्केट को रखते हैं। फिर क्या करते हैं, पीपल वुड ईट द लोव्स विथ हॉट टी, ऐसे ऐसे करके बेचने आते हैं। कौन कौन लोग आते हैं, ब्रेड सेलर्स लोग, जो लोग ब्रेड मतलब बेचते हैं वो लोग क्या करते हैं ना, बैम्बो स्टाफ के साथ वहाँ पे एक बास्केट भी होता है जहाँ पे मतलब बैम्बो के नीचे रखा सॉरी बैम्बो के ऊपर रखा हुआ होता है बास्केट, और उस बास्केट में क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड्स होता है। लोग क्या कैसे खाते हैं, वो पाव रोटी कैसे खाते हैं, विथ हॉट टी, कैसे खाते हैं, फिर गर्म चाय के साथ अच्छा लगता है वो लोग खाते हैं। फिर देखेंगे ये वाला थोड़ा काफी मजेदार है, क्योंकि दे वुड नॉट ब्रश देयर टीथ। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चे जो होते हैं इतना एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं। तो अभी हम देखें डिलीवर कैसे करते हैं लोब्स। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और लाइन्स भी हैं, देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेड क्या है, मतलब वो रोटी की जो महत्व क्या होती है, इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ओकेजन्स, हर ओकेजन के लिए, हर मतलब चीज़ में वो ब्रेड मतलब मैंडेटरी है वहाँ पे, मतलब हर सब कुछ बंद हो जाएगा लेकिन वो जो रोटी है, पाव रोटी है, वो बंद नहीं होगा। कैसे देखते हैं, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। क्या बोला जाता था, एक स्वीट ब्रेड होता है उस टाइम पे होता था एक्चुअली, जिसको बोल बोला जाता था, तो वो क्या होता था ना, इतना स्पेशलाइज्ड था कि अगर शादी में वो बोल, वो स्वीट ब्रेड नहीं होगा तो शादी के जितने भी सारे गिफ्ट्स होंगे वो टोटली मीनिंगलेस होंगे, बेकार होंगे, वर्थलेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तभी मतलब इतना इम्पोर्टेंस है वहाँ पे ब्रेड का, मतलब इतना इम्पोर्टेंस था तभी के टाइम पे। केक्स, सैंडविचेस, बोलिनहास आर मेड विद द ब्रेड, ये सब जो है ब्रेड के साथ साथ और क्या 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 बनाए जाते थे, केक्स बनाए जाते थे, सैंडविचेस एंड बोलिनहास कुछ होता होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड होता होगा, मुझे नहीं पता है। तो ये सब बनाया जाता था किसके साथ, ब्रेड के साथ। तो यहाँ पे हम क्या देखें, इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का महत्व, मतलब ब्रेड की जो महत्व है क्या, कितना इम्पॉर्टेंट है हर किसी के लाइफ में, ब्रेड कितना इम्पॉर्टेंट है ये हम देखें ये सब पॉइंट्स में। तभी होपफुली जितना मैंने अभी तक समझाया है, समराइज किया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ लास्ट पॉइंट्स जो है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वो सब हम देखेंगे। क्या है, ड्रेस ऑफ ब्रेड सेलर्स और बेकर्स। बेकर्स जो लोग बेकिंग जो करते थे वो लोग कैसे ड्रेस पहनते थे, और सेलर्स जो बेचने आते थे वो लोग किस टाइप का ड्रेस पहनते थे। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, पिकुलियर ड्रेस, थोड़ा मज़ेदार टाइप का, मतलब वो इतना अच्छा वाला ड्रेस नहीं था जैसे बताया जा रहा है, पिकुलियर ड्रेस था। पिकुलियर मतलब थोड़ा मज़ेदार किस्म का ड्रेस था, जैसे कि मतलब कार्टून जैसा, जोकर जैसा दिखता था, उस टाइप का ड्रेस था। नोन एज द कबाई, क्या बोला जाता था उस ड्रेस को, उस पिकुलियर ड्रेस को बोला जाता था कबाई।
सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक एंड रीच्ड डाउन टू द नीज, मतलब घुटने तक आता था वो ड्रेस का, जो ड्रेस की जो लेंथ थी कितनी तक आती थी, घुटने तक आती थी। लॉन्ग फ्रॉक, फ्रॉक जैसा कुछ, मतलब लड़कियां जो फ्रॉक पहनती हैं ना उस टाइप का कुछ ड्रेस था, तो घुटने तक आता था। और क्या है, सिमिलर टू हाफ पैंट्स ऑफ टूडे, आजकल मतलब था वो जिसको कवाई बोलते थे। और क्या है, और लास्ट में हम लोग जाएंगे क्या ना, बैकिंग वॉज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, क्या बोला जाता था, मतलब बैकिंग उस टाइम में, उस जमाने में क्या बोला जाता था कि जो लोग, जो भी लोग बैकिंग कर रहे हैं, जो लोग बैकर से है, उन बहुत अच्छे से चलता था। कैसे अच्छे से चलता था, कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के खत्म होते ही उनको क्या किया जाता था, वो लोग कलेक्ट करते थे, बिल्स कलेक्ट करते थे, जितना भी जितका पेमेंट हुआ है, जितना भी जो भी पे करेगा वो क्या करते थे, वो लोग घूम घूम के कलेक्ट करते थे। उसके बाद प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्डन डेज, पुराने जमाने में बहुत ही फायदेमंद का, मतलब बहुत ही फायदेमंद था ये जो प्रोफेशन। देयर फैमिली नेवर स्टार्व्ड, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो लाइन है वो क्या देख रहे हैं, देयर फैमिली नेवर स्टार्व्ड, स्टार्व्ड मतलब उनकी जो फैमिली, जो बैकर्स लोगों की फैमिली, वो कभी भी मतलब भूख से, मतलब भूख से परेशान नहीं था, क्योंकि उनके पास भरपूर खाना था, मतलब सफिशियंट इतना फूड तो होता था कि वो लोग मतलब खा के बेच के उतना मतलब ये कर सकते थे। उसके बाद है फैट बॉडी छोर दैट दे आर नॉट पोर एंड हैप्पी, अक्सर हम देखते हैं जब हम मतलब एक्सेस इनटेक ऑफ फूड लाइक ब्रेड और सैंडविचेस जो भी हम लोग खाते हैं, क्या होता है ज़्यादा मोटे 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 होते जाते हैं। हाँ, ऐसे ही उनके जो बॉडीज थे, उनके बॉडी के जो स्ट्रक्चर थे, कैसे थे, थोड़ा मोटापा था, मतलब जिनको भी देखते थे वो लोग मोटापे का शिकार थे, तो उन लोगों को माना जाता था कि ये तो पक्का ही एक बेकर ही होगा। तो उनके जो फेट बॉडीज थे वो क्या शो करते थे, दैट दे आर नॉट पोर एंड हैप्पी, क्या ना वो लोग गरीब तो बिल्कुल भी नहीं थे और बहुत खुश मिजाज के थे, क्योंकि उनको मतलब उनको कभी मतलब खाने के लिए परेशानी उठानी नहीं पड़ती थी, और उनके जो कलेक्शन बहुत अच्छा खासा मतलब चल रहा था, जैसे कि मैंने बताया कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, जितना भी वो लोग बेचते थे ना लास्ट को मंथ के एंड में वो लोग सब कलेक्ट करते थे, जो भी बिल आता था, जो भी उनको पे करना था, मतलब जो भी बेकर्स लोगों को मतलब लेना था किसी से, जो भी मतलब उन्होंने दिए हैं पैसे लेना था, तो वो क्या करते थे, मंथ के एंड में ही जाके वो बिल सब कलेक्ट करते थे। तो होपफुली जितना मैंने फर्स्ट से लास्ट तक जितना मैंने समराइज करके आप लोगों को बताया है, होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट करके हमें बताइए, मतलब कुछ अगर सुधार लानी चाहिए उसमें, या फिर जो जो भी मतलब आप लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है और भी अच्छा हो सकता है, ये वाला हमें कमेंट करके बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।